बचपन के दिन भी क्या कहने, ये दिन रात तोड़ मेहनत में खपाने के भी हो सकते हैं। शिवा बस 6 साल का है, कायदे से इसे छोटा सा बच्चे स्कूल की राह पकड़े होना चाहिए था, लेकिन स्कूल तो दूर, उसका बचपन अपने माँ बाप के लाड़ प्यार से भी दूर है। शिवा बिहार के गया जिले का रहने वाला है, इसीलिए 6 महीने पहले दिल्ली लाया गया सुंदर सपने दिखलाने के लिए। माँ बाप गरीब ठहरे, 2 जून का खाना भी मुश्किल, इसलिए वे भी उस आदमी के बहकावे में आ गए जो बच्चों को बटोर कर बड़े शहरों में लाता है। किसने भेजा यहाँ पे? जाकिर ने लाया। जाकिर ले आया, क्या करके ले? बोले चलो है ना, घुमाएंगे और काम कराएंगे, खाना पीना सब देंगे, हफ्ता देंगे, संडे को छुट्टी करवाएंगे, सब चीज मिलेगा वहाँ। और भी कुछ देने के लिए कहा था? नहीं, मम्मी बोली कि ठीक है चल जा चले। मम्मी को कितना पैसा मिला? मम्मी को मिला 3,000 जैसे पहले आया ना, तब मिला 3,000। 3,000 मिला तब फिर खत्म हो गया ना, तो फिर पैसा भेजवाया 1,000, फिर गए लेके, फिर अभी नहीं किया पैसा, अब नहीं किया पैसा। शिवा अकेला नहीं, इसके साथ 36 बच्चे हाल ही में बाल मजदूरी के दुष्चक्र से छुड़ाए गए। कम से कम इस समय तो वो इस दुष्चक्र से बाहर है। ये बच्चे छूटने के बाद सब अब बीती बता रहे हैं। क्या काम करते हैं? काम क्या करते हैं? ₹50-60 रोज, हफ्ते में एक बार। तो सुबह नाश्ते में क्या करते थे? सुबह चना, और दोपहर में खाने में? अगर मान लो और बीच में भूख लगी तो मिलता था खाना, बीच में भूख लगी तो कुछ खाना नहीं देते थे। एक दिन में आप कितनी चूड़ियाँ बना लेते थे? कितने कड़े बना लेते आज? 80 डब्बे। 80 डब्बे एक डब्बे में कितने होते हैं? 3 दर्जन, मतलब 1 दर्जन 12 होता है ना, 1 से 3 सेट रहते हैं। मम्मी पापा को पैसा दीस, बोले कि 2-3 महीने में आ जाएगा आपका बेटा, ईद बाद आ जाएगा, तो ईद बाद नहीं ले गया। मेरे खाला का शादी था ईद बाद, तो नहीं जा दिया। बोला कि जाएंगे ईद में, तो बोले नहीं जाएगा, एक बार जाएगा मुहर्रम में। तो फिर बोला ना हम जाएंगे, तो बोले तुम बात करें, हमारा मेरे माँ के पास मोबाइल है ना, तो बात कहाँ से करेंगे। चलिए ठीक है, अभी काम कर, 2-4 महीने में चल जाएगा। मैं 2-4 महीने में ना जाएंगे, बोले इसके बाद में चल जाएगा। बोला ना हम अभी जाएंगे, कल जाएंगे। बोले ना कल ना जा मिलेगा, सब जाएगा 1 महीना बाद, चाहे तो मुहर्रम में जाएगा, चाहे तो बकरीद में। जिसे कोई स्टोरी चाहिए या बाइट चाहिए, वो इन बच्चों के आगे लाइन लगा रहा है आज। और क्या बनाते थे? क्या बनाते थे? चूड़ी में नक चिपकाते थे। अच्छा, तो उसमें तकलीफ होती थी या अच्छा लगता था? तकलीफ होती थी, चूटा से उठाना हाथ दर्द कर जाते थे। एक दिन में जितने बोलता था उतना निकाल देते थे। कितना? कम से कम कितना? 4-5 डब्बा। 4-5 डब्बा, मतलब 200-300 चूड़ियाँ। और उसके लिए कितना पैसा मिलता था हम लोग को? हाँ, हफ्ता में सब मिलता था। हफ्ता में कितना? 40 रुपया। 40 रुपया। आज की ब्रेकिंग न्यूज भी यही है कि कुछ बच्चों को बाल मजदूरी के दुष्चक्र से छुड़ाया गया है। इन्होंने अपनी कहानी हमें भी सुनाई कि कैसे छोटी छोटी गलतियों के बहाने इनके पैसे काटे जाते हैं, कैसे पीटा जाता है इन बच्चों को, और कैसे क्लास टूटने पर पिटाई होती है। जो गलती होता था पैसा काट लेता था। मारपीट भी होती थी? मेरे भैया जी मना करते थे। अच्छा। नहीं मारता था, मेरे भैया मारता था ना, तो मेरे भैया जी मना करते थे। तुम्हारा भाई भी वहाँ था? हाँ, अपना भाई नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, गाँव का? गाँव का। अच्छा, तो बड़े भाई है। काम करने में तो दिक्कत होती थी ना? हाँ। तो फिर क्यों करते थे?
घर जाला बोलता था तो बोले ना अभी चुपचाप से काम कर, ताली बोलता था। तो अब घर जाना चाहते हो? और घर जाके फिर काम करोगे या पढ़ाई करूँगा? धीरे धीरे बात खुलने के साथ उलझती भी जाती है। ये बच्चे उन जगहों से मुक्त कराए गए हैं जिसे बाल मुक्त इलाका माना जाता रहा है। सेव द चिल्ड्रन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में NCPCR ने पिटीशन दायर की है। इसमें दो तरह की रणनीति लागू करने की बात कही गई है। इस दोहरी नीति को दिल्ली के जहांगीरपुरी में लागू करने का दावा किया गया। काम की शुरुआत तो काफी जोर शोर से हो रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस इलाके को स्थापित करने की कोशिश हुई। यदि सफलता मिलती तो पूरे इलाके में कोई बाल मजदूर नहीं मिलता, लेकिन 36 बच्चों को की चक्की से मुक्त कराने के बाद ये आशंका साबित हो गई है कि योजना के वादे और कार्रवाई जमीनी स्तर तक पहुंच नहीं पाई। अभी मैं उन बच्चों के बीच में हूं जिन्हें कल एक चूड़ी की फैक्ट्री से छुड़ाया गया है। इन बच्चों की अगर हम यकीन करें तो इनके ऊपर इतने जुर्म ढाए गए हैं जिसे सह पाना काफी मुश्किल है। उसी में से एक बच्चा ऐसा है जो तकरीबन 2 साल पहले बिहार से राजस्थान गया और फिर राजस्थान से दिल्ली इस चूड़ी की फैक्ट्री में इस बच्चे को काम दिया गया। इसके पीठ पे जो आप निशान देख रहे हैं उसको देख के शायद आप भी असमंजस में पड़ जाएं कि एक छोटे से बच्चों के साथ इस तरह का जुर्म किया जाता है। देख रहे हैं जैसे कि पूरे पीठ पे इसके निशान जो हैं, ये सिर्फ इस बच्चे को जिसकी गलती के कारण इसको सजा के तौर पर इस तरह के निशान दिए गए हैं। आज भी इस तरह की अमानवीय घटनाएं घट रही है। ऐसे कुछ और बच्चे हमारे साथ हैं जिनके साथ इस तरह के मारपीट की घटनाएं हुई थी। ऐसे आप देखिए इस बच्चे को इस पूरे हाथ पे डंडे से पीटा गया है जिसके कारण इसे आज भी इस हाथ को सीधा करने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। इस बच्चे के साथ देखिए कि किस तरह के जुर्म ढाए गए हैं। इसके हाथ पर आज भी अभी भी घावों के निशान आप आसानी से देख सकते हैं। इसके साथियों का कहना है कि इसके इस हाथ पर डंडे मार मार के उस डंडे को तब तक मारा गया उस डंडे से जब तक कि वो डंडा टूट न गया। इन बच्चों के साथ क्या हुआ, इनकी आप बीती आप खुद सुनिए कि आखिर ये बच्चे किस तरह के जुल्म का शिकार बने हैं। अच्छा बेटा, आप लोगों के साथ क्या हुआ था जरा बताएंगे हमें? ये भी मेरे साथ था। ये पीस छेप रहा था ना चूड़ी, तो एक चूड़ी खड़ा हुआ ना, तब ये पिछुआ जाता था, मैंने बांट के देता ना पिछुआ, तो बोलता था ना कि साले पिछुआ मत, नहीं तो 1 रुपये पीस कर चपाऊंगा और पूरा हफ्ता गोल कर दूंगा, नहीं तो खूब मारूंगा। तो इसको एक दिन मारा था, डंडा तोड़ दिया था, मारा था ना कुछ ना, अब मारा था ना तो हम लोग का सोच आता था, तो हम लोग बोले इसको कि गांव चले जा, तो हम बाहर नहीं निकलने देता था, बोलता था कि बाहर पुलिस घूम रहा है, बाहर पकड़े निकलेगा तो पकड़ लेगा और माँ बाप का पुलिस वाले गाड़ी देगा, मारेगा जेल कर देगा। जैसे जब पकड़ा जाएंगे पुलिस में देंगे पैसा तो तुम्हें 3-4 साल खड़े। पढ़ने का मन करता है जी? सर क्या आगे मान लो अब तो तुम लोग गांव जाओगे, गांव में पढ़ाई करोगे, तो पढ़ाई करने के बाद कुछ करने का मन करता है? क्या करने का मन करता है? कुछ नौकरी वोकरी मिल गई पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करना। तो अब काम नहीं करोगे कभी भी? क्यों? काम खराब चीज़ होती है, जैसे काम होती है जड़ी घुस गया इसमें, आँख नाक में कम बीमारी की तरह फैल जाती है। बुद्धू राम की बात सुनिए। चाईबासा में अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, चाहे गरीबी में ही सही लेकिन पूरा परिवार एक साथ खुश तो था। तभी उनके पड़ोसी ने एक सपना दिखाया। बेटी काम पर लग गई तो थोड़े बहुत पैसे भी मिलेंगे और उनकी बेटी को एक बेहतर जिंदगी भी। बुद्धू राम ने अपनी बेटी को कमाने शहर भेज दिया। दिन हफ्ता महीना बीतकर 2 साल बीत गए, बेटी का कोई पता नहीं लगा और ना ही पैसों का। तब थाने में दर्ज कराई गई, सोलन से बुद्धू राम की बेटी बरामद की गई। ये था इस जिंदगी का छिपा हुआ सच। जो हमारा बेटी काम करने आई थी यहाँ, जो सीमा और समीर ने ले आया एक ही बाजार में, मतलब कि उसे मिल गया। मिलने के बाद में बोला कि चलो हमारा यह ऑफिस चले जाओ, हम वहीं 4,000 रुपया दे देंगे। तो हम जमीन खरीदने के लिए थोड़ा पैसा दरकार हुआ था, नहीं पूरता था, तो
जोड़ जाड़ के देखे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही होता है एक साल का। एक साल में हम छुट्टी दे देंगे बोला था, एक साल में छुट्टी नहीं दिया। दूसल देखे, दूसल में भी छुट्टी नहीं दिया। तीन साल में आया, तीन साल में तो अभी झगड़ा उठा था, हमको मारा और पीटा। पीटने के बाद में हम एक कोना में बैठा हुआ था, एक मैडम ने हमको देखा, देखने के बाद में क्या रो रहा है, नहीं हमारा बेटी ऐसा ऐसा बात है, सब हम बता दिया, सब तकलीफ का हमारा तकलीफ कुछ पूरा बता दिया। बताने के बाद में वो मैडम लेकर अपना घर में ले गया, दो दिन वहाँ रखा, रखने के बाद में यहाँ ले आया, यहाँ ले आ करके यहाँ से कंप्लेन करके चले गया, पुलिस के साथ चले गया। सोलहन से हम लोग पकड़ के ले आया लड़की लाया, अभी रमेश नगर या रमेश चौक आश्रम में है अभी। ऐसे न जाने कितने बच्चे होंगे जो इस देश में बेहतर जिंदगी की आस में नरक की यातना भुगत रहे हैं। इनके सपने रोज बनते हैं और रोज टूटते हैं, पर शायद साकार कभी ना हो पाते। थोड़ी बेहतर जिंदगी के सपने, थोड़ी आसान जिंदगी के सपने। देखिए, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि गरीबी के कारण बच्चे काम करते हैं, ये अधूरा सत्य है। असली बात यह है कि बाल मजदूरी के कारण भी गरीबी चलती है। आज देश में गैर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 5-6 करोड़ बच्चे काम करते हैं और 6.5 करोड़ वयस्क लोग बेरोजगार हैं। जो बच्चे काम करते हैं उनके माँ बाप बेरोजगार हैं, जो बच्चे काम करते हैं उनके बड़े भाई बहन को बेरोजगार रखा गया है। बच्चों को काम पर इसलिए लगाया जाता है कि सस्ते मजदूर हैं, मुफ्त के मजदूर हैं, और माँ बाप को काम इसलिए नहीं दिया जाता कि वो ज़्यादा मजदूरी मांगेंगे या यूनियन बनाएंगे, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे वगैरह वगैरह। तो इसको हमें समझना जरूरी है। गांव को तो छोड़िए, शहरों में बाल मजदूरी की भरमार है। देश के 11 ऐसे जिलों का सर्वे किया गया है जहां माना जाता है कि बाल मजदूर सबसे ज्यादा हैं। अलवर, महबूबनगर और मुर्शिदाबाद जैसे स्थान बाल मजदूरों के गढ़ हैं। दूर दराज के गरीब माँ बाप के लिए अपने बच्चों को इन शहरों में भेजने का ही एक आसरा होता है। ये वो आंकड़े हैं जिन्हें NSSO ने जारी किया था, यानी सरकारी तंत्र के एक हिस्से ने इस कड़वी सच्चाई का पता लगाया है। पर इन आंकड़ों में वो बबलू बंटी नहीं जो हर चाय की दुकान या ढाबे पर बर्तन खींचते और मालिक की आवाज पर दौड़ लगाते हैं। ये छोटे मजदूर अपना और अपने परिवार का पेट पालने की जुगत में हैं। काम के कोई घंटे तय नहीं होते। छोटे होने के कारण इन्हें आसानी से धमकाया और डराया जा सकता है। इनके आगे बस एक छोटा रास्ता खुला होता है, हार तोड़ मेहनत का रास्ता। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। बचपन से मजदूरी करने वाला बड़ा होकर क्या करेगा? मजदूर ही बनेगा ना। इनके लिए बचपन का मतलब बेफिक्र मस्ती नहीं, बल्कि मालिक के नाराज होने की फिक्र है। बचपन मतलब सब कुछ भूलकर खेलना कूदना नहीं, काम करते हुए नुकसान ना हो जाने की चिंता। इनकी चिंताओं में होमवर्क नहीं है। ये बच्चे बचपन में ही हो चुके हैं, मानो पैदा होते ही अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने परिवार वालों का बोझ अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार हो चुके हों। हमारे पढ़े लिखे और अपने नागरिक अधिकारों के लिए सजग समाज का एक पहलू ये भी है कि हम अपने बच्चे को तो एक अच्छी जिंदगी देते हैं, पर वहीं अपनी नौकरानी के बच्चों से काम कराते हुए जरा भी नहीं हिचकते। हम मंच पर बाल मजदूरी को कलंक बताते हैं, लेकिन अपने घरों में बाल मजदूर रखने में कोई ग्लानि महसूस नहीं करते। जब तक समाज का ये दो मुहापन खत्म नहीं होगा, जब तक हम काम करने वाली बाई के बच्चे के अधिकार को नजरअंदाज करते रहेंगे, तब तक लाख कानून बन जाए, बाल श्रम नाम का कलंक हमारे समाज के माथे से कभी नहीं हटेगा। We'll be right back.
गरीबी दूर करने और बाल मजदूरी खत्म करने की तमाम कोशिशों के बाद भी ये समस्या एक चुनौती बनी हुई है। जैसे हर समस्या के साथ होता है, सरकार ने इसे खत्म करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन ये समस्या मुंबई अब भी हमारे सामने खड़ी है। समस्या के विस्तार और गंभीरता को देखते हुए इसे एक सामाजिक आर्थिक समस्या माना जा रहा है, जो चेतना की कमी, गरीबी और निरक्षरता से जुड़ी हुई है। साल 1979 में भारत सरकार ने बाल मजदूरी की समस्या से निजात के गुरुपाद समिति का गठन किया। समिति ने समस्या का विस्तार से अध्ययन किया और अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी। इस समिति ने साफ कहा कि जब तक गरीबी बनी रहेगी तब तक बाल मजदूरी को हटाना संभव नहीं, इसलिए कानूनन इस मुद्दे को व्यवहारिक तौर से इसका समाधान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में इस समिति ने सुझाव दिया कि शुरुआत पहले खतरनाक में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाने से की जाए, इसके बाद माहौल तैयार करके अन्य क्षेत्रों में स्तर को सुधारा जाए। समिति ने ये सिफारिश की कि काम करने वाले बच्चों की समस्याओं को निपटाने के लिए बहुआयामी नीति बनाई जाए। देखिए, सरकार और समाज दोनों की जिम्मेवारी है कि कोई भी स्कीम और कोई भी कानून ढंग से लागू हो। अकेले सरकार पे हम ये छोड़ के नहीं बैठ सकते, और समाज में अगर ये हो रहा होता तो फिर कानून की ज़रूरत ही क्या थी। तो समाज में जो जागरूक लोग हैं वो कम से कम बोलें, कम से कम उन बच्चों के अधिकारों के लिए थोड़ी बहुत पहल करें, अपनी तरफ से लिखा पढ़ी करें, अपनी तरफ से थोड़ी सी बातचीत करें, तो माहौल बनता है। और हम कह रहे हैं कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार हैं, चाहे वो स्कूल के अधिकारी हों शिक्षा के अधिकार के मामले में, और चाहे वो बाल मजदूरी दूर करने के लिए श्रम विभाग के अधिकारी हों, और अब पुलिस भी इसके लिए जिम्मेवार हो जाएगी, तो उनको भी जवाबदेह ठहराया जाए। अगर किसी इलाके में बाल मजदूरी चलती है या बच्चों के ऊपर जुल्म होते हैं तो वहाँ के अधिकारियों से भी पूछा जाए, उनको भी जवाबदेह ठहराया जाए, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर बाल मजदूरी प्रतिबंध एवं विनिमय अधिनियम को 1986 में लागू किया गया। इस अधिनियम के जरिए खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर रोक लगा दी गई। इस कानून को लागू हुए आज 26 साल हो गए, लेकिन आज भी आप बाल मजदूर को अपने आसपास आसानी से देख सकते हैं। तभी यह सवाल मन में उठता है कि आखिर क्यों हम बाल मजदूरी को खत्म क्यों नहीं कर पाए, कानून होने के बाद भी हम इसमें ठीक से सफल क्यों नहीं हो पाए। पुराने कानून में भी सजा का प्रावधान था 1 साल की, और 20,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन सरकार ने खुद स्वीकार किया हाल में ही कि केवल 13 लाख इंस्पेक्शन हुए हैं 26 सालों में, उनमें से 50,000 से भी कम के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, और उसमें भी 4,700 लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हुई है, यानी कि उन पर जुर्माने हुए हैं, 20 रुपये जुर्माना, 30 रुपये जुर्माना, मजाक हो गया बच्चों के साथ, आप बचपन छीन लीजिए और 25 रुपये जुर्माना देके या 100 रुपये जुर्माना देके बच जाइए। बाद में कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस कानून में अमूल चूल बदलाव की वकालत शुरू की। इनमें इनकी मुख्य मांगे ये थी, बाल श्रम पर पूरी रोक हो, 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत शामिल किया जाए, 18 साल तक के बच्चों को किसी भी तरह के खतरनाक रोजगार में न लगाया जाए, बाल श्रम को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाए, नियम तोड़ने वाले पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, राष्ट्रीय स्तर पर इसको रोकने के लिए देशव्यापी कार्यक्रम चलाए जाए, बाल मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, ILO कन्वेंशन की नियमावली की धारा 182 और 138 की कानूनी पुष्टि हो। देखिए, 2 अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं इस मामले में, एक तो है ILO कन्वेंशन 182, ये कानून सबसे खतरनाक और बदतर हालत की बाल मजदूरी पर तत्काल रोक लगाने के लिए है, जो 18 साल तक के बच्चों के मामले में लागू होती है। आप देखें कि दुनिया की 171 संसदें, सरकारें और संसदों में ये पारित हो चुका है, उनके यहाँ के कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून मैच कर गए, दोनों को मिला दिया गया, और अंतर्राष्ट्रीय कानून को उन्होंने अपने संसदों में अनुमोदित कर दिया। हमारे देश ने अभी तक नहीं किया, सोमालिया ने नहीं किया, युगांडा ने नहीं किया,
सियरा लियोन ने नहीं किया, तो क्या हम सियरा लियोन के मुकाबले भारत को बैठाना चाहते? पाकिस्तान ने कर दिया, नेपाल ने कर दिया, बांग्लादेश श्रीलंका ने कर दिया, हमने नहीं किया। तो हम मांग कर रहे हैं कि जब ये नया कानून संशोधित होकर आ रहा है तो सबसे अच्छा मौका है कि भारत सरकार तुरंत इसको संसद में मूव करे और 18 साल तक के बच्चों से खतरनाक और बदतर हालत की बाल मजदूरी को रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को पारित करे, अनुमोदित करे। दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान या कानून है वो है आईएलओ कन्वेंशन 138। उसके तहत 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा किसी भी उद्योग में काम नहीं करेगा गरीब देशों के अंदर या विकासशील देशों के अंदर, और विकसित देशों में ये आयु 15 साल की है। अगर हम इसे अपने देश को विकासशील मानते हैं तो भी 14 वर्ष तक के किसी बच्चे से हम काम नहीं करा सकते, बाल मजदूरी नहीं करा सकते। और ये सुनिश्चित करना होगा कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। तो ऐसी स्थिति में चूँकि हम शिक्षा का कानून बना ही चुके हैं, 14 साल तक शिक्षा की गारंटी हम दे चुके हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि हम जो आईएलओ कन्वेंशन 138 है, 138 है, उसको भी तत्काल पारित कर दें। आखिरकार सितंबर 2012 संसद के मॉनसून सत्र में बाल श्रम प्रतिबंध एवं विनिमय कानून 1986 में संशोधन विधेयक को कैबिनेट ने आखिरकार मंजूरी दे दी है। इस कानून के कारण बाल मजदूर न सिर्फ कारखानों और उद्योगों बल्कि खेतों और घरों में भी काम करते पाए गए तो इसे अपराध माना जाएगा। अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। अब तक 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम कराया जाना गैरकानूनी था। साल 2001 की जनगणना के मुताबिक पूरे देश में करीब 1.25 करोड़ बाल मजदूर हैं। जानकारों को इस बात की उम्मीद है कि इस कानून से समाज में जो लोग बच्चों से काम कराते हैं उनके मन में डर बनेगा और इस जघन्य सामाजिक अपराध पर लगाम लगाया जा सकेगा। निश्चित तौर पर हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी बातें कही गई हैं जिनकी मांग हम बहुत साल से करते रहे हैं और लगातार संघर्ष भी करते रहे हैं। सबसे पहली बात है कि 14 साल तक के प्रत्येक बच्चे से बाल मजदूरी कराना अपराध मान लिया गया है और कोई भी बच्चा 14 साल तक काम नहीं करेगा। दूसरा जो है, 14 से 18 साल तक की आयु के बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम नहीं लिया जाएगा। जो अब तक सिर्फ 14 वर्ष तक का था वो 18 वर्ष तक हो गया। तीसरी चीज़ है कि ये एक कॉग्निजिबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध हो गया है जिसके तहत पुलिस भी कार्रवाई करेगी। अभी तक सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट को, लेबर इंस्पेक्टर वगैरह को कार्रवाई करने का अधिकार था, लेकिन अब पुलिस को भी इसमें जिम्मेवार बनाया गया है क्योंकि ये संज्ञेय अपराध हो गया है। फिर जो सजा की सीमा है वो 3 साल तक बढ़ा दी गई है। जुर्माना 20,000 रुपये के बजाय 50,000 रुपये तक का कर दिया गया है। नया कानून लागू होने के बाद न सिर्फ कारखानों या उद्योगों में बल्कि खेतों और घरों में भी 14 वर्ष तक के बच्चों से मजदूरी कराना अपराध बन जाएगा। साथ ही 14 से 18 साल के बच्चों को किशोर वय श्रेणी में रखा जाएगा जिन्हें खदान, विस्फोटकों के इस्तेमाल वाले उद्योगों तथा केमिकल, पेंट और अन्य खतरनाक फैक्ट्रियों में काम कराना प्रतिबंधित होगा। ये निर्णय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संधि और मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार कानून प्रावधानों के अनुरूप है जिनके तहत 14 वर्ष तक के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती। इस फैसले से सरकार ने वचनबद्धता तो जाहिर की है लेकिन अभी भी भारत आईएलओ के उस नियम में शामिल नहीं किया गया जहां बाल मजदूरी को और कड़े कानून के दायरे में लाने की वकालत की थी। हम एक तरफ तो नवरात्रियों के दौरान कन्याओं का भोजन कराते हैं, दुर्गा की तरह, देवी की तरह उनको पूजते हैं, और दूसरी तरफ हर रोज आप अखबार में पढ़ोगे बच्चियों को ले जाया गया, चुराया गया, उनके साथ मुंह काला किया, उनकी हत्या कर दी, बलात्कार हुए उनके साथ, छोटी छोटी बच्चियों को पैदा होने से के साथ मार दिया या पैदा होने से पहले ही भ्रूण हत्या करा दी। एक तरफ आप दुर्गा, देवी, लक्ष्मी, सरस्वती की तरह पूज रहे हो उनको और दूसरी तरफ आप पैदा नहीं होने दे रहे उनको। तो ये समाज के दोगले चरित्र का परिचायक है। और इसी तरह जो कानून
के रखवाले हैं उनकी भी जिम्मेवारी है नैतिक कि जो बात हमारे संविधान और कानून में लिखी है उसे ईमानदारी से लागू करो। उसी बात की तनख्वाह उन्हें मिल रही है, हमारी टैक्स पेयर्स की मेहनत की कमाई से उनको जो पैसा मिल रहा है तनख्वाह का, वो इसी बात के लिए मिल रहा है कि वो हमारे महान संविधान की रक्षा करें। बाल श्रम के बारे में न जाने कब से बातें हो रही हैं और कभी कभी इसके खिलाफ कदम भी उठाए जाते हैं। कभी किसी कारखाने से तो कभी किसी दुकान से कुछ बच्चों को छुड़ा लिया जाता है और हम खुश हो जाते हैं कि देखो कानून का पालन आज भी हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि बाल श्रम एक कानूनी अपराध है, लेकिन बावजूद हम इस अपराध को करते वक्त जरा भी नहीं संकोच करते। जब तक समाज और सरकार दोनों मिलकर इसको खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक शायद उन बच्चों की जिंदगी में उजाले नहीं आ सकते जो 21वीं सदी में भी बाल मजदूरी के दंश को झेल रहे हैं। आवे के लिए तो कई जगह मार्केट एसोसिएशंस, कई जगह रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस जो RWS हैं, रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटीज, और कई जगह मोहल्ला समितियाँ, कई जगह पंचायतें प्रस्ताव पास करके दे रही हैं कि भाई हम तो अब बाल श्रमिक रहित हो गए हैं, चाइल्ड लेबर फ्री हो गया है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इसके लिए जितनी ईमानदारी और इच्छा शक्ति और जिस तरह इसमें समाज की भागीदारी और निगरानी, ये सब चीज़ें शामिल होना चाहिए, वो नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, बच्चे हैं हम, हमें जीने दो। रोटी कपड़े के लालच में ना जहर हमारे बचपन में खोलो। क्या बचपन मेरा फिर आएगा, दो घूंट खुशी के पी लेने दो। बच्चे हैं हम, हमें जी लेने दो।